जयपाल सिंह मुंडा की आज 120वीं जयंती है। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूं कचहरी के समक्ष जयपाल मुंडा स्टेडियम के पास, जहां पे आज उनकी प्रतिमाओं पे लोग, मुंडा समुदाय के लोग जो है माला अर्पण करते नजर आ रहे हैं। वैसे जयपाल सिंह मुंडा तो हॉकी के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रह चुके थे, वहीं आज लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उन प्रतिमाओं पे माला अर्पण कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करें तो नगर निगम के द्वारा यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम उनके नाम से बनवाई गई, जहाँ पे बच्चों की खेलने की जगह, जिम वगैरह हो गए, फुटबॉल हो गया या फिर अन्य खेलने की सारी चीज़ों की सारी सुविधाएँ यहाँ पर दी गई। आज यहाँ पर रांची की मेयर आशा लकड़ा यहाँ पर आज मौजूद थी, उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण करते हुए उन्होंने बताया कि खरमास के बाद यहाँ पर जो है लगभग तरीके से उद्घाटन हो जाएगा और लोग जो है, बच्चे जो है, जितने लोग हैं जो इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पे आएंगे और सारी तरह से यहाँ पे इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग तैयारियाँ जो है पूरी तरह से हो चुकी है, कुछ तैयारियाँ जो है जो बाकी रह गई है उन्हें जो है अब पूरी तरह से तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हालांकि पूरी तैयारियाँ जो है आप देख रहे हैं कि लोगों के, श्रमिकों के द्वारा जो है तैयारियाँ जोरों शोरों पर है। वहीं आज मुंडा समुदाय के लोग जो है यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा पे माला अर्पण करते नज़र आ रहे हैं। वहीं देखना ये दिलचस्प होगा कि लोग यहाँ पे आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और कहीं ना कहीं एक ये स्वास्थ्य से जुड़े हुए इसका भी बात रखता है। हालांकि यहाँ पे श्रीमती आशा लकड़े ने बताया कि करोड़ों की लागत से बना ये जयपाल मुंडा स्टेडियम है, जो कि नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म हुआ होगा और उस समय से लेकर के आज तक लोग याद कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से हॉकी के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपना एक पहचान बनाया, चाहे वो संविधान का निर्माण करने का बात हो या नेशनल इंटरनेशनल खेल के क्षेत्र में अगर देखा जाए या समाज को जागरूक करने के क्षेत्र में देखा जाए, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आज रांची के हार्ट में, माने रांची का दिल में कहा जाए कि जयपाल सिंह स्टेडियम जो था, आपने देखा होगा किस तरह इनका स्थिति था, उनको हम लोग ने जीवित रखने का काम किया। आज पूरे जयपाल सिंह स्टेडियम को हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, खेल के लिए बना रहे हैं, लोगों का मॉर्निंग वॉक के लिए रहेगा, लोग यहाँ खेल पाएंगे। यानी शहर के बीचों बीच इतना बड़ा मैदान, लगभग हम लोग ने 5 करोड़ के लागत से इस मैदान का निर्माण कर रहे हैं। लॉन बॉल है, वॉलीबॉल का कोर्ट है और इसके अलावा खेल का मैदान रहेगा, फुटबॉल लोग खेल सकते हैं, हॉकी भी खेल सकते हैं, बच्चे आकर के अपना झूला झूल सकते हैं। लगभग ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये पूरा कंप्लीट हो गया है, जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, खरमास खत्म होगा और इसका उद्घाटन हो जाएगा। अब्बा दिशो अब्बा राज, अब्बा राज, अब्बा राज, अब्बा राज, अब्बा दिशो अब्बा राज, अब्बा राज, अब्बा दिशो अब्बा राज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।